हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बताइएगा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और आप सब कैसे हैं बताइएगा। तो मैं अभी दिखाती हूँ टाइम कितना हो रहा है, रुकिए। तो अभी देखिए 10:25 नहीं 26 हो रहा है अभी का पूरा। तो अभी सब मतलब घर के जो सदस्य हैं, तीन लोग हैं, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे अपने अपने काम पर निकल गए हैं स्कूल के लिए। बच्चे स्कूल के लिए गए हैं, हस्बैंड काम के लिए गए हैं, मैं घर में मैं पड़ी हुई हूँ, और एक सदस्य और पड़ा हुआ है। हम दो सदस्य बच जाते हैं, ये देखिए। तो ये है मेरा मिट्ठू बेचारा, हम दोनों बच जाते हैं। तो वही बच गए। तो हाँ, सबसे पहले आप सबका वेलकम कर दूं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, दिख नहीं रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में आप सबका स्वागत है। तो अभी मैंने सुबह मतलब पहले मैं उठती हूँ तो नाश्ता का ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि सबको भेजना रहता है और उतना जल्दी ठंड दिन में मैं उठ भी नहीं पाती हूँ, क्यों झूठ बोलूँ। तो सब नाश्ता वास्ता करके अपने अपने काम पे निकल गए हैं। मेरा झाड़ू हो गया है, और झूठ नहीं बोलूंगी, पोछा मैं डेली नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे थायराइड है, वो भी हाई लेवल का। मुझे जो कुछ भी होता है हाई लेवल का ही होता है, कम नहीं होता है। कम में मांगती नहीं हूँ, कम में अच्छा नहीं लगता है ना, ज्यादा ही होने से ज्यादा। और इधर देखिए किचन मेरा कितना अच्छा सुंदर सा दिख रहा है। ये है रात का डिनर का है, और सुबह का नाश्ता का बर्तन सब मिला के इतना बर्तन है। इधर देखिए सब बिखरा पड़ा हुआ है। कोई दिखाता होगा गाइस ऐसा, मैं दिखा रही हूँ, सब साफ सुथरा करके दिखाते हैं, लेकिन मैं देखिए कैसा कंडीशन में रहता है सबका। बहुत अभी ठंड के दिन में सबके यहाँ होता ही होगा, मैं जानती हूँ। तो बस यही सब करना है अभी मुझे, और तो सोचा ब्लॉग का शुरुआत कर दूं। और मैंने आप सबका वेलकम किया कि नहीं, चलिए नहीं किया शायद, किया ना, चलिए फिर कर देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनू विश्वकर्मा आपके में आप सबका स्वागत है। अगर किया होगा तो दो बार स्वागत है, ठीक है। तो चलिए देखती हूँ कंटिन्यू और क्या क्या करती हूँ, और बने रहिए ब्लॉग में, ठीक है। आगे जो जो करूंगी दिखाऊंगी। उधर देखिए सारे कपड़े कल के जो धोए थे ना, अभी पूरा सूखा नहीं था, तो मैंने फिर मतलब कल से ही उतारा नहीं है, रखा हुआ है उसे। इधर देखिए मेरे पास कितने सारे मतलब कितने गमले हैं, ये सबको भी पूरा सेट करना है। देखिए ये सबको भी सेट करना है। सोच रही थी कुछ कुछ जगह देने से फूल उल तो अच्छा दिख, नेचुरल दिखेगा। काम बहुत है गाइस, लेकिन कर नहीं पाती हूँ, क्या करूँ। ठंड अचानक बहुत ज्यादा पड़ गया है। अभी नहाती भी नहीं हूँ। अब सुबह सुबह टंकी का पानी जब गर्म हो जाएगा कि नहीं, 12-1 बजे तक, तब नहाऊंगी। अब मैं गर्म पानी से नहीं नहाती हूँ, पता नहीं गर्म पानी से नहाने से और मेरा तबीयत खराब हो जाता है। हमारे घर में कोई नहीं नहाता है। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं और क्या होगा। क्योंकि 365 दिन का चैलेंज लिया है, तो सोचती हूँ डेली ही देते रहेंगे, तो मैं तो खुद तो देखू कि 365 दिन में मैंने कितने काम किए हैं, जोड़ूंगी, हिसाब करूंगी, इसीलिए। तो कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग में, मिलती हूँ फिर से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई। तो जो किचन का हालत दिखाया था, अब दिखा रही हूँ कैसा हो गया है। कि ये देखिए सब बर्तन धुल गया, इधर देखिए ये सब भी साफ सफाई कर दिया। इधर देखिए थोड़ा सा आटा लगाया था जो रोटी के लिए ना, वो बच गया है, तो उसको ढक के रखा है। इधर कल वाली दाल मेरी बच गई है, देखिए सब। पता नहीं गाइस, किसी के यहाँ 2-4 डिब्बा में ही काम हो जाता है, मुझे तो इतने सारे डिब्बे लगते हैं, जो कहो मत, बात करती हूँ, इतने सारे डिब्बे लगते हैं, कहाँ से जमा हो जाते हैं पता नहीं, मुझे खुद को भी पता नहीं रहता है। और इधर अब मैं चाय अपने लिए गर्म कर रही हूँ, ये देखिए इधर रखा है। करूंगी चाय गर्म करूंगी, उसके बाद से चाय को ले जाऊंगी अपने बेडरूम में, और उसके बाद से दिमाग लगाऊंगी कि लंच में क्या बनाऊं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लेडीजों का, हर वक्त दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या बनाए क्या बनाए, समझ ही नहीं आता है। और अब पूजा पाठ का बता दे रही हूँ, पूजा पाठ का मैंने 3 महीने के लिए छुट्टी ली है भगवान से। 3 महीने अगर मैं पूजा पाठ करूंगी तो बिना विदाउट टिकट के उनके पास चले जाऊंगी, प्लेन के विदाउट प्लेन में बैठे हुए ही चले जाऊंगी। तो इसीलिए मैंने टिकट ले रखा है। इधर मेरा देखिए चाय, देखिए कैसा गर्म हो गया, चाय गर्म हो गया है मेरा। तो चाय ले लेती हूँ, और उसके बाद से रुकिए गिर जाएगा। उसके बाद से क्या करती हूँ, जाकर बैठूंगी बेडरूम में, दिमाग लगाऊंगी क्या बने क्या बने। अब तो क्योंकि सिर्फ लंच बनाना है मुझे, काम वही रह गया है अभी का, मतलब सुबह का तो काम निपटा दिया,
और उसके बाद से नहाना रहेगा। तो चलिए मिलती हूँ फिर से, जो करती हूँ दिखाऊंगी। ओके तो फ्रेंड्स, मैं सुबह का जो ब्लॉग बनाई अभी सीधा अभी मैं आप सबको दिख रही हूँ। मैं भूल भी गई थी कि ब्लॉग का एंड भी, मतलब और कुछ दिखाने बोला था लेकिन दिखा भी नहीं पाई। कुछ किया ही नहीं तो क्या दिखाऊं फ्रेंड्स। ठंड बहुत ज्यादा है और फिर मैंने तो बताया ना मेरा थायराइड का प्रॉब्लम, तो इसके वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पाई। और तो मैंने सोचा कि ब्लॉग का तो एंड ही नहीं किया है तो ब्लॉग का एंड भी कर दूं। और जाहिर बात है कि आज का ब्लॉग तो मेरा पसंद नहीं आया होगा, नहीं आएगा सबको, क्या दिखाया ही जो पसंद आ जाएगा। तो लेकिन फिर भी चैलेंज किया है तो डेली मैं हेलो हाय बोलने आऊंगी, जिस कंडीशन में भी रहूं मैं आऊंगी जरूर। और अब कोई जबरदस्ती नहीं है, अच्छा नहीं लगे तो नहीं देखिए, कोई ऐसा बात नहीं है। सब दिन मैं भी तो, आप प्रॉब्लम मेरा भी समझिए कि सब दिन तो एक जैसा नहीं रहता है। उसी में 365 दिन का जब चैलेंज लिया है तो उसी में तबीयत खराब, मौसम का चेंजिंग भी, हर चीज उसमें आएगा ना। तो थोड़ा एडजस्ट आप सब भी कीजिए, थोड़ा एडजस्ट मैं भी करती हूँ। तो और इसी के साथ ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। तो मेरा ब्लॉग, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि मेरा ब्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा तैयार होकर भी ब्लॉग अच्छे से भी नहीं बना रही हूँ। देखिएगा, इस 365 दिन का चैलेंज लिया है तो उसमें जैसा भी दिखूंगी दिखाऊंगी जरूर। तो इसीलिए इतना ही बोलती हूँ, नहीं तो फिर ये भी ब्लॉग है, ये भी एक तो एपिसोड, ये भी लंबाई हो जाएगा, पहला वाला भी दो तो लंबाई है। तो चलिए, अभी रात का 8 बज रहा है तो इसी के लिए आप सबको गुड नाइट बाय। कल फिर मिलती हूँ, जैसा भी रहूंगी मिलूंगी, जरूर मिलूंगी और हेलो हाय करने तो जरूर आऊंगी। तो प्लीज मेरे ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए थैंक यू और बाय और गुड नाइट। सबको गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय।